यहाँ बैठोगे तुम लोग? अच्छा, पिछले क्लास में हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो कुछ बच्चे बोले थे कि आज हम पहली बार आए हैं, वो कुछ बता दीजिए पीछे वाला कुछ। तो हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ फाइल, टाइप्स ऑफ फाइल के बारे में डिस्कस किए थे, मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल, आउटपुट फाइल, बैकअप फाइल और रिपोर्ट फाइल। इतना सारा फाइल हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। इसके आगे एक टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वो है फाइल में जो डेटा स्टोर करते हैं, अगर फाइल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें डेटा, जैसे यहां बताए थे तुम लोगों को, ये वाला स्लाइड देखो, यहाँ ये रिकॉर्ड तुम ध्यान से देखो, इसमें एक रिकॉर्ड के ठीक पीछे दूसरा रिकॉर्ड, पीछे ऐसा एकदम सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, ठीक है। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो होगा उसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसे ही करेंगे। तो हम लोगों ने ये वाला टॉपिक भी डिस्कस किया था पिछले क्लास में और हम लोगों ने देखा था कि जो रिकॉर्ड का ओरिएंटेशन है वो कैसे होता है। आवाज जा रही पीछे तक? रिकॉर्ड का ओरिएंटेशन कैसे होता है, तो रिकॉर्ड का ओरिएंटेशन कैसे कैसे होगा, एक था सिक्वेंशियल एक्सेस, जहां की हम रिकॉर्ड को एक सिक्वेंस में पढ़ते थे या उसको रिट्रीव करते थे। तो उसमें क्या प्रॉब्लम था बताओ? बहुत स्लो था, स्लो था। अगर जिस रिकॉर्ड को खोजना है, अगर वो रिकॉर्ड मतलब बहुत बड़ा डेटाबेस है, 10,000 रिकॉर्ड है और उसमें अगर 10,000वां रिकॉर्ड अगर हम सर्च कर रहे हो तो उसके एक कम मतलब 9,999 रिकॉर्ड को हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको उतना जो ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तब जाके वो रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा था डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में क्या किए थे हम लोग, एक फंक्शन यूज कर रहे थे और उस फंक्शन से पहले ही जान जा रहे थे कि इसको कहां रखना है, ठीक है। एक फंक्शन यूज करके क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम उसको? हाँ ठीक है, पियो पानी, खूब पानी पियो। तो उस फंक्शन को क्या बोले थे, हैश फंक्शन। बाय यूजिंग हैश फंक्शन वी कैन डिराइव द रिकॉर्ड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड एंड तब हम उस रिकॉर्ड को उस रिकॉर्ड पोजीशन पे रख देंगे, ठीक है। तो कैसे रिट्रीवल फास्ट होगा मेरा, हम एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, उस फंक्शन में अगर कोई नंबर दे रहे हैं तो कुछ आउटपुट दे रहा है, मतलब एक से दिए तो वाई आउटपुट मिला, ठीक है।
ये तो स्टोर करते समय, सर्च करते समय भी अगर एक्स इनपुट देंगे तो वाई आउटपुट देगा, तो हम वापस वहां पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये दो तरीका हो गया जिसको रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज करते हम लोग। तीसरा है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा फॉक्सरो इसी इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस पे बेस्ड है। ठीक है, तो सिक्वेंशियल एक्सेस कैसे होगा, सॉरी सिक्वेंशियल एक्सेस तो हो गया, डायरेक्ट एक्सेस का जो ये वाला हम लोग देख चुके, इसका एक बार देख लो, हैश कोलिजन भी देख लिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा, अच्छा ठीक, एडवांटेज क्या होगा, हाँ रैंडम एक्सेस कर सकते हैं हम लोग वैसा कोई अगर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो इंटरैक्टिव है, मतलब कि हम यहाँ पे डेटाबेस लेके बैठे हैं, तुम आ रहे हो डेस्क पे काउंटर पे और कुछ सर्च करा रहे हो, तो हम उस इंटरैक्टिव में बहुत जल्दी से बहुत यूज डेटाबेस से रिकॉर्ड खोज के हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बस एक एक्सप्रेशन रन कराना है, एक फंक्शन रन कराना है, हमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिकॉर्ड कहाँ है। जैसे फी काउंटर पे कोई आए और बोले मेरा रोल नंबर इतना है या आईडी इतना है, मेरा आपको फी ले लीजिए, तो हम उसका फी लेंगे तो डेटाबेस में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हमको रिकॉर्ड पे पहुंचना है, लेट अस सपोज कि हमको उसके रिकॉर्ड पे पहुंचना है, तो अगर हैश वाला है तो कैसे पहुंचेंगे, राहुल कुमार कौन है, स्क्रीन पे कुछ करोगे तो यहाँ आएगा ना। ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं बाय यूजिंग रैंडम एक्सेस। एडवांटेज रैंडम एक्सेस फाइल इज बेस्ट सुटेड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, शॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड, रिकॉर्ड को शॉर्ट भी नहीं करना है। ठीक है, इट कैन रीड एंड अपडेट रिकॉर्ड, हम जब जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, जब चाहे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तुम आके बोलोगे सर मेरा रोल नंबर 9 है, मेरा नाम गलत लिखा गया है, रोल नंबर 9 मेरा अगर की फील्ड है तो हम तुरंत रोल नंबर 9 पहुंच जाएंगे कहां पे रखा गया, और वहां पे मॉडिफिकेशन भी कर देंगे, नया अगर इंटर करना है तो वो भी कर देंगे सबका। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमको डेटाबेस के साथ साथ एक फंक्शन भी चाहिए, वो फंक्शन हैश फंक्शन है, और हैश फंक्शन इसलिए सिंपल कोई फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते, हमको ऐसा फंक्शन चाहिए जो दो इनपुट पे एक आउटपुट ना दे। ठीक है, तो हमको एक अच्छा मैथमेटिक्स का जानकार या एक मैथमेटिशियन चाहिए जो हमको हैश फंक्शन क्रिएट करके दे। ठीक है, हैश फंक्शन, अगर हैश फंक्शन बनाया गया, और तुम एक बात नोटिस किए होगे, जब हम 59 रखे थे मैजिक नंबर, तो हमारा वहां पे 61 नंबर पे एक आ रहा था, तो हम बोले थे कि रिकॉर्ड नंबर रोल नंबर 1 और रोल नंबर 61 एक ही प्लेस पे स्टोर हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता। ओके, अगर हम ये मैजिक नंबर 100 कर लेते तब कोलिजन होता क्या, तो 100 के बाद होता। ठीक है, ओके चलो, कोई एक क्लास है या कोई कोचिंग है जहां पे कि हमको एक हैश फंक्शन लिखना है, हम तुमसे पूछे, तुम्हारा मान लो कुछ चलता है कॉलेज कोचिंग कुछ भी है तुम्हारा, हम तुमसे पूछे कि कितना बच्चा का एडमिशन लीजिएगा, तुम बोले 100, तो हम क्या किए कि हैश फंक्शन में जो मॉड करके जो मैजिक नंबर लिखे थे उसको 101 कर दिए। ठीक है, 101 कर दिए कि जितना 1 से 100 तक को जो भाग जाएगा, 1 से 100 तक रिटर्न करेगा, कोई कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, अब 101 के बाद 100 तक तो ठीक हो गया, लेकिन सीट भरने के बाद तुमको लगा नहीं, 2-4 गौर ले लेते हैं एडमिशन। ठीक है, हो गया कोलिजन, हो गया ना, तो हैश फंक्शन कोलाइड कर सकता है बहुत ज्यादा हर मेजर्स लेने के बाद भी, जिसके लिए हमको फिर मैनेज करना पड़ेगा उस कोलिजन को बाय यूजिंग रिहैशिंग एंड चेनिंग। तो एक तो हैश फंक्शन का ओवरहेड है, दूसरा उसको अगर कोलिजन किया तो कोलिजन को मैनेज करिए, उसको हैंडल करिए, तीसरा तो मतलब ये दोनों जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है इसके कारण हम इसको यूज नहीं करते हैं, फॉक्सो में नहीं करते हैं, करते तो है ही है। ठीक है, अब आता है बात इंडेक्स सिक्वेंशियल का। इंडेक्स सिक्वेंशियल में अगर मान लो तुम्हारे सामने एक मोटा सा किताब रखे 500 पेज का, ठीक है,
उसमें सारा का सारा जो कंटेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड तो नहीं है, नहीं होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ओके, फिर भी जो तुमको टॉपिक पढ़ना रहता है पढ़ लेते हो, खोज लेते हो, कैसे? इंडेक्स से। किताब के आगे 500 पेज का किताब, उसके लिए 3 या 4 पेज का इंडेक्स काफी होगा, ठीक है? अगर कंपेयर करो इंडेक्स को किताब के कंपैरिजन में तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ओके, हम कैसे खोजते हैं? मान लो फॉक्सफोर्ड का किताब है तुम्हारे पास और उसमें तुम इंडेक्स सिक्वेंशियल खोजना चाह रहे हो, तो क्या करोगे? हम लोग पहले इंडेक्स खोजेंगे, पहले इंडेक्स खोलेंगे और वहां पे खोलेंगे, खोजेंगे कि इंडेक्स सिक्वेंशियल कहाँ है, है? और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हमको पेज नंबर मिल जाएगा और उस पेज नंबर पे हम सीधे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। बहुत आराम से पहुंच गए, 500 पेज का किताब और हम कितना आराम से हम पहुंच गए वहां पे, ठीक है? यही है मेरा इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। तो एक तरफ तो पेज है और एक तरफ इंडेक्स है, मतलब एक तरफ तो मेरा फाइल होगा डेटा फाइल, और उस फाइल का इंफॉर्मेशन एक छोटे से फाइल में रखेंगे, उसको बोलेंगे इंडेक्स फाइल, उसको बोलेंगे इंडेक्स फाइल, ठीक है? तो देयर आर टू फाइल्स ऑफ एवरी डेटा फाइल, द डेटा फाइल विच कंटेन द रिकॉर्ड स्टोर इन द फाइल एंड अ स्मॉल साइज इंडेक्स फाइल विच कंटेन द की फील्ड एंड एड्रेस ऑफ इच रिकॉर्ड स्टोर इन द फाइल। इंडेक्स फाइल हैज अ की इन शॉर्टेड। इसको समझते हैं ये कैसे होगा। ये हमारा वही डेटाबेस है, ये वही डेटाबेस है। उसमें से रोल नंबर पे इंडेक्स कर रहे हैं हम लोग, और जिस फील्ड पे इंडेक्स करेंगे वो हमारा की फील्ड होगा और खोजने के लिए वही फील्ड यूज करेंगे, ठीक है? हम लोग को इंडेक्स पूरे डिटेल में पढ़ना है इंडेक्स, अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल क्या होता है। तो ये वाला जितना रोल नंबर है ये सारा का सारा की फील्ड होने के कारण इसको हम लोग स्टोर करेंगे इंडेक्स फाइल में, ठीक है? और ये शॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ये हमारे 10 11 15 ये भी शॉर्टेड में है। अगर ये शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होता फिर भी इंडेक्स में अगर हम लेते तो ये शॉर्टेड ऑर्डर में होता। इसके बाद क्या होगा? अब रोल नंबर टेन रिकॉर्ड किस रिकॉर्ड नंबर पे है? देखो तो 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। 11 रिकॉर्ड नंबर 2 पे है, 2 लिख दिए। 15 3 पे है, 3 लिख दिए। बताइए ये रिकॉर्ड नंबर है। ये चूंकि यहाँ पे ये शॉर्टेड ऑर्डर में था इसलिए 1 2 3 4 आ गया। अगर ये शॉर्टेड अनशॉर्टेड होता तो कभी 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आता, फिर 5 आता, अनशॉर्टेड ऑर्डर में ये आता। अब जब हम कुछ खोजेंगे, किसी कुछ रिट्रीव करना होगा हमको, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इंडेक्स फाइल पे जाएंगे जैसे हम लोग बुक पे जाते थे, और यहाँ पे खोजेंगे कि मेरा वो रोल नंबर कहाँ है। लेट अस सपोज कि हमको 15 रोल नंबर को सर्च करना है, ठीक है? तो हमको इसके पहले सिक्वेंशियल एक्सेस में, डायरेक्ट एक्सेस में ये फाइल तो बनता नहीं था, तो हमको डायरेक्टली यहीं पे खोजते थे। यहाँ पे क्या करेंगे? अब इंडेक्स फाइल है, सबसे पहले इंडेक्स फाइल पे आएंगे और एक एक रिकॉर्ड करके पढ़ेंगे इन सिक्वेंस मैनर। पहला वाला सिक्वेंशियल ऑर्डर था ना, ठीक उसी मैनर में इसको पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे और देखेंगे कहां 15 आ रहा है। यहां जैसे ही पहुंचेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा रोल नंबर। जब रोल नंबर 15 मिल गया तो हम उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे रिकॉर्ड नंबर कहां है, ठीक है? तो रिकॉर्ड नंबर मिल गया, रिकॉर्ड नंबर 3। तो रिकॉर्ड नंबर 3 हम कैलकुलेट करके डायरेक्टली हम रिकॉर्ड नंबर 3 पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। यहां दो काम हो रहा है। पहली बार में आप सिक्वेंशियल पढ़ रहे हैं, पहली बार में आप सिक्वेंशियल पढ़ रहे हैं, और जब सिक्वेंशियल पढ़ने का डेटा मैच कर जा रहा है तब आप डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। मतलब पहले वाला दोनों मिला के ये बना है, ऐसा कह सकते हैं ना? ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाला दोनों मिला के ये क्रिएट हुआ है। इसको बोलते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। एक बहुत भारी सवाल, ध्यान से सुनना। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सिक्वेंशियल फाइल जो है वो अच्छा नहीं है, वो बहुत टाइम टेकिंग है और उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, और दूसरी तरफ हम बोले कि इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल बहुत अच्छा होता है, और जबकि उसमें भी हमको सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही पढ़ाई करना है, तो ये समय भी तो सिक्वेंस पढ़ना है। कैसे शॉर्ट हुआ बताओ, यही तो समझना है। मान लो कि ये वाला जो फाइल है इसमें 100 रिकॉर्ड है, हाँ एक बार हम
अब सवाल बोल ले, ये जो देख रहे हो ये वाला मोहित अमित विकास, इसमें 100 रिकॉर्ड है ठीक है। और 100 रिकॉर्ड में किसी रिकॉर्ड को खोज रहे तो सिक्योर शोल्डर में वहां उसके ठीक पहले तक का सारा रिकॉर्ड हमको ट्रावर्स करना पड़ रहा है। ओके, अब इसी को इंडेक्स फाइल बना दिए, तो इंडेक्स फाइल बना दिए, यहाँ रोल नंबर, इसमें भी तो 100 रिकॉर्ड होगा, हर रोल नंबर का होगा ना 100 रिकॉर्ड, उसमें से अब एक रिकॉर्ड को खोजना है, उसमें से एक रिकॉर्ड को खोजना है तो हमको इसमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा ना, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ट्रैवर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ना हमको मिलेगा ये वाला। तो ये फास्ट कैसे हो गया ये बताओ। डायरेक्ट एक्सेस मतलब हैश फंक्शन बना के, अरे तो दूसरा ना है वो, दूसरा टेक्निक है, दूसरा टेक्निक है। सर सर मान लीजिए कि 1 से 10 तक को एक पेज में रख दिए, एक एक सीक्वेंस में, इसके अंदर ही जाके खोजना है तो मिल जाएगा आराम से, इंडेक्स में इसी एक ही सॉर्ट करता है, ये सॉर्ट किया जाता है। नहीं सर वैसा ही कुछ बताने वाला है, पहले सबको देख ले, सोचो तुम दो, सोच के बताओ कि ऐसा क्या है जो सिक्वेंशियल ऑर्डर में मेरा एक्सेसिंग स्लो हो जाता है, और वही एक्सेसिंग, वही सिक्वेंशियल एक्सेस हम इंडेक्स फाइल में करते हैं तो हम जल्दी पहुंच पाते हैं रिकॉर्ड पर। तो डेटाबेस में नहीं है, डेटाबेस भी तो है। खड़ा होके बोलो ना, दिखाई तो दे कौन बोल रहा है। हाँ नहीं ना, हमको ढूंढना सिर्फ की फील्ड है ना, तुम्हारा रोल नंबर कितना, कितना रोल नंबर तुम्हारा, 1 मिनट, 64 है। अब देखो सोचो, हम अगर इस डेटाबेस को हम सिक्वेंशियल एक्सेस में जाते हैं तो एक एक रिकॉर्ड करके 64 खोजेंगे ठीक है, तो हम नेम थोड़ी खोज रहे हैं, हम तो रोल नंबर खोज रहे हैं, जब 64 मिल जाएगा तब तो पूरा डेटा रिट्रीव करेंगे, समझ रहे बात को। जब तक तुम्हारा 64 नहीं मिलेगा तब तक हम सिर्फ रोल नंबर को व्यू कर रहे हैं, तब तक हम सिर्फ रोल नंबर को व्यू कर रहे हैं, रोल नंबर मिलने के बाद तब हम पूरा डेटा खोजेंगे ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे क्या, इंडेक्स पे क्या हो रहा है, यहाँ भी रोल नंबर खोजेंगे, रोल नंबर मिल जाएगा, वहां मिलता तो सीधे डेटा डिस्प्ले, यहां मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको फिर रिकॉर्ड नंबर से कैलकुलेट करके जानना पड़ेगा रिकॉर्ड कहाँ है, फिर वहां से वहां जाना भी पड़ेगा, और सिक्वेंशियल एक्सेस में तो डायरेक्ट पहुंच रहे थे। और सोचो, बना तो सकते ही है लेकिन फास्ट कैसे होगा ये जानकारी। अच्छा, रोल नंबर और रिकॉर्ड नंबर को सेम कर देंगे, मतलब इसको तुम शॉर्टिंग करना चाह रहे हो, इसको शॉर्ट कर देना चाहते हो, ऐसा नहीं कर सकते, शॉर्टिंग करेंगे तो दूसरा बात हो जाएगा। अच्छा देखो समझो, अब होता क्या है कि अगर मेरा डेटाबेस रैंडम नंबर में है, कि मेरा रैंडम नंबर का है, तो हमको खोजना पड़ेगा उसको लास्ट तक। जैसे अगर मान लो हमको रोल नंबर 5 खोजना है, रोल नंबर 5 खोजना है, और हम ये जानते हैं कि रोल नंबर पूरा डेटा रैंडम ऑर्डर में लिखा हुआ है और टोटल 100 रिकॉर्ड है, तो जब तक हम 100वां रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो हम इंश्योर नहीं हो सकते कि 5 रोल नंबर है कि नहीं है, समझ में आ रही बात। लेकिन यही अगर सॉर्टेड डेटाबेस रहे तो हम एक पहले पे जाएंगे तो 1 मिलेगा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, अब 5वें पे मिल गया 6, तो हमको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पे बोल देंगे कि भैया रोल नंबर 5 इज नॉट अवेलेबल, समझ में आ रही बात। ये ऑर्डर में होने के कारण मेरा सर्चिंग आसान हो जाता है, ऑर्डर में होने के कारण सर्चिंग आसान हो गया, पहला बेनिफिट यहां मिला। दूसरा बेनिफिट मिलेगा कि हमको जब सर्चिंग कर रहे होंगे तो हमको बहुत छोटा सा कुछ बाइट्स का फाइल मेमोरी में रखना पड़ेगा और वहां सर्च करना पड़ेगा, तो वो फास्ट होगा। बड़ा सा फाइल मेमोरी में रखेंगे उसमें सर्च करेंगे तो वो स्लो सर्च होगा, है ना, ऐसा होता है ना। तो हम जब सर्च इंडेक्स फाइल से करेंगे तो इंडेक्स फाइल जो है
वो मेन फाइल के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और इसके अंदर जो की फील्ड है वो ऑर्डर में है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बोले है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम बहुत आराम से खोज पाते हैं। और सेंडिंग ऑर्डर में भी, असेंडिंग ऑर्डर में भी अगर बहुत सारा डेटा है तो उसको जरूरी नहीं कि हम सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही खोजें, ठीक है, उसको हम बहुत और टेक्निक है जिसमें बहुत आराम से सर्च कर सकते हैं। जैसे तुम लोग पढ़ोगे आगे डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, तो उस वो तरीका भी है, उस तरीका में मेरा सर्चिंग टाइम एकदम आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको कि इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल में डेटा सर्चिंग कैसे होता है? कुछ मेहनत नहीं पड़ेगा, कोई बता रहे हैं ना, जब बनाना बताएंगे ना, बनाना बताएंगे तो एकदम बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला बुलेट गाड़ी जो है उसको चलाने के लिए ढकेलना थोड़ी पड़ता है, तो सिस्टम बना हुआ है ना उसके लिए, यहाँ भी सबके लिए कमांड बना हुआ है, कमांड लिखिएगा सब काम हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला नहीं, कमांड, कमांड समझते हो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, यही कमांड है, बैठ जाओ, यही कमांड है। अंश बोलेगा कि सर पीछे पड़ गए मेरे, नहीं रोल नंबर, वहां तो असेंडिंग नंबर में नहीं होगा, वही तो वही बात कर रहे हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा, लेकिन जैसे इंडेक्स फाइल बनाएंगे ना, इंडेक्स फाइल बनाएंगे तो इंडेक्स क्यों ऑर्डर में होगा, जैसे इंडेक्स बनाएंगे तो सब ऑर्डर में आ जाएगा, और कौन फाइल कहाँ कहाँ है वहां पे वो रिकॉर्ड नंबर हमको दिखेगा। ठीक उसी तरह से कि तुम अगर बुक का अगर इंडेक्स खोलो तो उसमें पेज नंबर इधर भी ऑर्डर में रहता है और यहाँ भी ऑर्डर में रहता है, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर नंबर वो ऑर्डर में रहता है, ठीक है, तो वो ऑर्डर में आ ही जाएगा। यहाँ ऑर्डर में नहीं करना, यहाँ ऑर्डर में रहता तो हमको तो इतना प्रॉब्लम होता ही नहीं, ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं है। अब जैसे मान लो नेम की बात करते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि तुम लोग जब एडमिशन लेने आए थे तो पहले कि नहीं पहले ए वाला एडमिशन ले लेगा तब बी वाला कर लेंगे, नहीं, तो जैसे जैसे जो जो नेम आता गया हम स्टोर करते चले गए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि विनय विनीत पहले हो और अजय अभिषेक सबसे नीचे हो, मेरे डेटाबेस में मास्टर फाइल में ऐसा हो सकता है ना जी, कि पहले विनय और विनीत लिया हो और सबसे लास्ट में अजय अरुण लिया हो, तो इतना एकदम ऑर्डर में नहीं है। लेकिन अगर हम इसी फाइल को इंडेक्स क्रिएट करते हैं नेम पे, तो उस नेम में जो नाम होगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा और बगल में लिखा रहेगा कि अजय का रिकॉर्ड कैमे नंबर पे है और विनीत का रिकॉर्ड कितने नंबर पे है। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो सर्च करने के लिए ही ना बनाए हैं डेटाबेस। देखो डेटाबेस में डेटा स्टोर करके क्या करेंगे जब मेरे काम का नहीं होगा, तो समझ रहे बात को, डेटाबेस में डेटा स्टोर किस लिए कर रहे हैं, कि ताकि हमको जरूरत पड़े तो इन्फॉर्मेशन हमको मिले, है ना, और इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा, एक मिनट, डायरेक्ट सर्च मतलब सिक्वेंशियल सर्च, टाइम लगेगा, ना 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 नहीं, हाँ तो फोन नंबर पे इंडेक्स क्रिएट कर दो। तो कैसे सर्च करोगे, मान लो 1000 रिकॉर्ड है, मान लो यहाँ इतना बच्चा है ना, सबका फोन नंबर अलग अलग है, डेटाबेस में फोन नंबर लिखा हुआ है, कैसे सर्च करोगे बताओ? अरे तो ये एमएस नहीं, जब एमएस वर्ड एमएस एक्सेल नहीं ना है, फॉक्सरो है, ठीक है, यहाँ वैसे होता तो हम बताते नहीं, सर्च कर लेंगे अंडर लेफ्ट से, ऐसा नहीं होगा। देखो एक मिनट समझो बात को, डेटाबेस में जो सर्च होगा, जो हम सर्च करेंगे वो डेटाबेस में करेंगे, टेक्स्ट तो है नहीं ना, ये हमारा एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं है, जो हम टेक्स्ट सर्च कर लेंगे हम सर्च करके, ठीक है, समझ में आया? अभी कौन बोला था फोन नंबर से सर्च कर लेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ये दिखोगे तो देखो पूछने में शर्माओ एकदम नहीं, और देखो कोई सवाल कर रहा है ना तो सोचो कि वो सवाल तुम्हारे दिमाग में भी होगा, लेकिन तुम शर्मा रहे थे पूछने में, वो पूछ दिया ठीक है। तुम भी अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं था तो कल से बादाम खाना शुरू करो कि तुम्हारा दिमाग भी उसके जैसा तेज हो जाए, है ना, ताकि तुम्हारे दिमाग में सवाल आए ठीक है। तो सवाल पूछना अच्छा बात है, दिमाग में अगर समझ रहे हो तो सवाल तो आएगा ही, जो नहीं समझ रहा उसका सवाल नहीं आएगा। ओके तो आगे बढ़ा जाए। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल को दोबारा रिपीट करें ठीक है। इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल मतलब एक कोई फाइल हम कंसीडर कर लो, कोई एक कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, हाँ कंसीडर करते हैं पीपीयू बीसीए फर्स्ट ईयर बैच टू ठीक है। लेट अस सपोज वी आर 60 स्टूडेंट और 60 स्टूडेंट का लिस्ट है मेरे पास, तो 60 स्टूडेंट बहुत कम है डेटाबेस के हिसाब से, ये नंबर बहुत कम है, तो यहाँ सिक्वेंशियल एक्सेस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। सिक्वेंशियल एक्सेस ही फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कब पड़ेगा जब रिकॉर्ड का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए। लेट अस सपोज 10,000 रिकॉर्ड है, 10,000 रिकॉर्ड है और उसमें से कुछ फाइंड करना है तो टाइम लगेगा ना, टाइम लगेगा, और ये टाइम इस पे डिपेंड करेगा कि जो रिकॉर्ड तुम खोज रहे हो वो कितने नंबर पे मिलने वाला है। अगर वो पहले नंबर पे मिल गया तो तुरंत मिल जाएगा, है ना, उसको बोलते हैं बेस्ट केस। खड़ा हो जा एक मिनट, इधर बार आ, बार आ, हम भी ऐसे ही बुला रहे हैं, अरे ऐसे ही बुला रहे हैं। अगर देखो ध्यान से बात सुनो, जिस फील्ड पे तुम इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हो ठीक है, वो फील्ड आएगा यहां पे, उस फील्ड का डेटा। रोल नंबर पे करना चाहते हो तो रोल नंबर आएगा, नेम पे करना चाहते हो तो नेम आ जाएगा। अगर तुम कोर्स पे करना चाहते हो, कुछ चूंकि मेरा ये रिपीट होने वाला है तो कोर्स पे नहीं करेंगे, फोन नंबर पे कर सकते हैं, तो यहां सारा फोन नंबर आ जाएगा ठीक है। और वो सारा फोन नंबर शॉर्टेड ऑर्डर में होगा, 93 वाला पहले, 95 वाला बाद में, ऐसे करके शॉर्टेड ऑर्डर में होगा। और ये फोन नंबर का डेटा कंप्लीट रिकॉर्ड कितने नंबर पे है वो रिकॉर्ड नंबर यहां रहेगा। मान लो हम तुमसे रिकॉर्ड तुमसे फोन नंबर पूछे ठीक है, तुमसे फोन नंबर पूछे, उस फोन नंबर को इंडेक्स फाइल में सर्च करेंगे, और मान लो कि हम सर्च करने के बाद मेरे इंडेक्स फाइल पे मिल गया वो, उसके बगल में उससे करस्पॉन्डिंग हमको रिकॉर्ड नंबर मिलेगा ठीक है। एकदम तुम बुक का इंडेक्स समझो ना, बुक में हम फोन नंबर खोजे और जो मिला वो पेज नंबर मिलता था, यहाँ वो रिकॉर्ड नंबर है, यहाँ वो रिकॉर्ड नंबर। जब हमको रिकॉर्ड नंबर मिल जाएगा तो हम आराम से उस रिकॉर्ड पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, हमको एक एक स्टेप करके नहीं चलना पड़ेगा। समझ में आएगी बात? तो हम जिस फील्ड पे करना चाहें उस फील्ड पे इंडेक्स कर सकते हैं, उसको बोलेंगे की फील्ड। और हमारा की फील्ड वही फील्ड होगा जिसमें डेटा रिपीट ना हो रहा हो ठीक है। मतलब इंडेक्स फाइल में बता रहे हो, ऐसा कैसे होगा? 1 to 10 कर दोगे तो 10 रोल नंबर ना हो गया जी, एक एक रोल नंबर का रिकॉर्ड कहीं और होगा, दूसरा कहीं और होगा, तीसरा कहीं और होगा। छोटा छोटा फाइल मतलब बड़ा डेटाबेस या छोटा छोटा डेटाबेस बना दोगे। अच्छा अब बताओ, अब हम मेरे पास कोई आएगा और बोलेगा कि मेरा नाम निरंजन कुमार है, खोज दीजिए हमको, तो मुझे रुको फाइल वन में खोजिए, नहीं मिला, फाइल टू में भी खोजते हैं। तो अगर एक मिनट, हम समझ रहे हो क्या बोल रहा है, रिपीट मत करो। चार फाइल तुम बनाए ना, चार फाइल का नाम रख लेते हैं, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर, बन गया। तो नेम वन में कौन कौन नाम मिलेगा, कैसे पता हमको?
सर उसको हम ग्रुप में सेव करेंगे, ऐसे सर ए टू उनको कितना चाहिए सर, उसमें कितना है ए टू बी सर, इसमें कितना नेम आ जाएगा इसमें ए टू बी में, वो एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया सर, चार फाइल है ए टू बी, अल्फाबेटिक हो या नंबरिंग हो। तो एक अल्फाबेट में नाम का लिमिटेशन है कितना होगा? नहीं है, कैसे करोगे? अच्छा अब एक चीज बताओ कि फ्लिपकार्ट पे अगर तुम कुछ प्रोडक्ट से सर्च करते हो तो मल्टीपल डेटाबेस से सर्च करके लाएगा? अगर हम स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं तो हम चार डेटाबेस बनाएंगे, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट थ्री, स्टूडेंट फोर, ऐसा नहीं, ये डेटाबेस कंसेप्ट है ही नहीं, ये डेटाबेस कंसेप्ट नहीं है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे डेटाबेस का संख्या बढ़ जाएगा, और जब संख्या बढ़ जाएगा तो फाइल ओपन और फाइल क्लोज करने में जो एफर्ट लगता है, जो रिसोर्स होता है, वो ज्यादा खर्चीला है, वो ज्यादा खर्चीला है। तुम अगर फाइल वन खोजोगे, फाइल टू खोलोगे, अगर एक से ज्यादा फाइल तुमको खोलना और क्लोज करना पड़ेगा तो इसका फाइल पॉइंटर का ओपनिंग क्लोजिंग, ये तुमको ज्यादा कॉस्टली अफेयर है सिक्वेंशियल सर्चिंग से। समझ में आ रही बात को? ये कोई निदान नहीं है, ये कोई निदान नहीं है कि हम एक एक चीज को अलग अलग रख दें, और जब और हम ये समझना ही बहुत मुश्किल हो जाएगी कौन कहां मिलेगा। नहीं, यहां नहीं बना सकते डेटाबेस, तो डेटा उसके अंदर डेटाबेस कैसे बना हुआ है? नहीं, डेटाबेस जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में, वो नहीं कर सकते, ठीक है। सर एक प्रश्न था सर। हाँ यस। ये फॉक्सप्रो को सिंपल शब्दों में समझे तो सर होता क्या है ये फॉक्सप्रो? फॉक्सप्रो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जी सर। ठीक है, सॉफ्टवेयर समझते हो? जी सर। एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम लोग यूज करते हैं। जी ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करते हैं, साथ में हमको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सपोर्ट भी देता है, हम एक अच्छा खासा फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और वो प्रोग्रामिंग जो है वो जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग टूल नहीं है, मतलब सी सी प्लस प्लस जावा जैसा नहीं है, वो डेटाबेस डोमेन का प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको। ठीक है सर, जैसे यहाँ आप नाम लिख रहे हैं, नाम के बारे में बता रहे हैं कि कैसे खोज करना है, वो पीडीएफ जैसे नहीं कि फाइंड करने के लिए देखो सर, हाँ नहीं वैसा नहीं होता है ना, डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पीडीएफ में, एक्सेल में, कहीं भी तुम बात करोगे, एक शीट पे सारा डेटा है, एक शीट पे सारा डेटा है, इंफॉर्मेशन नहीं है, रिकॉर्ड के फॉर्म में तो नहीं है, वो रिकॉर्ड के फॉर्म में वो नहीं है, सारा एक शीट पे डेटा है। तो हम सर्च कर लेते हैं, है ना, सर्च कर लेते हैं। लेकिन डेटाबेस में हर डेटा का आइडेंटिटी अलग अलग है, ठीक है? Yes, sir. हर डेटा का आइडेंटिटी अलग अलग है, हम किसको खोजना चाहते हैं, अगर मान लो रोल नंबर 10 अगर खोजते हैं, अगर ऐसा ही डेटाबेस हम बना दें वर्ड में, तो रोल नंबर 10 खोजोगे तो सिर्फ 10 ना मिलेगा, उसके आगे का रिकॉर्ड तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर रोल नंबर 10 हम बोलेंगे तो मोहित कुमार, राजकुमार, पीसी सब मिल जाएगा, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उस लड़के का जिसका रोल नंबर 10 है। ठीक है, अच्छा ये रोल नंबर 85, ठीक, समझ में आ गई बात? यस सर, यस सर। So key field is search index file sequentially and get the exact location of the record and access it. That is access to a record. We need one sequential access. Mute करके रखो, किसी का ऑन नहीं लगता है। That is access to record. We need to one sequential access and then one random access. ठीक है? This is called direct access. ये क्या है? This is called direct access. Actually, हम जो अगर तुम आईटी कंप्यूटर साइंस में अगर बात करें हम डेटा एक्सेस का, तो जब हम एक एक करके जाते हैं तो सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक है, और जब हम डायरेक्ट कहीं चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। ठीक है, इसी
इसी कारण हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, वहां सर्च नहीं करना पड़ता है, वहां सर्च नहीं करना पड़ता है। और सर्चिंग टेक्निक जो है इतना फास्ट है कि हम एक बार जो डेटा चाहिए वो डेटा तुरंत पहुंच जाते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किटरी यूज होता है, हो जाता है। तीसरा, वैसा एक्सेस सिस्टम जिसमें दोनों मिला हुआ है, आधा सिक्वेंशियल है और बाकी रैंडम है, सिक्वेंशियल और रैंडम, ये दोनों जब मिक्स कर देते हैं तो हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। कि हार्डवेयर में या मेमोरी में या फिर हार्ड डिस्क में आप पढ़ोगे तो यही वाला लॉजिक मिलेगा, आइदर सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस, ये दोनों मिला दिए तब डायरेक्ट एक्सेस हुआ, ठीक है। लेकिन फॉक्सो की किताब में या फॉक्सो में हम लोग जो काम करते हैं, रैंडम एक्सेस को ही डायरेक्ट एक्सेस कह रहे हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन तुम लोग अभी चूंकि फॉक्सो में हो इसलिए मान के यही चलो, यही वाला चीज दिमाग में रखो, बाद में वो जब तुम पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस जिसका उसी को यहाँ डायरेक्ट एक्सेस बोला जा रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा है कि दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस, दिस वन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के बारे में, क्यों? क्योंकि हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस भी कर रहे हैं और रैंडम एक्सेस भी कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? एडवांटेज क्या है? इट इज वेरी एफिशिएंट, रिकॉर्ड कैन बी सर्च वेरी क्विकली, वेरी यूजफुल और लार्ज डेटाबेस, नीड्स वेरी लेस सॉफ्टवेयर सपोर्ट। डिसएडवांटेज क्या होगा? इट नीड्स एक्स्ट्रा स्पेस फॉर इंडेक्स फाइल। ये कोई खास डिमेरिट नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के कंपेरिजन में वो बहुत, उसका साइज बहुत नगण्य है, ठीक है। आफ्टर वेरी इंसर्शन एंड डिलीशन इंडेक्स फाइल नीड टू बी अपडेटेड। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे इंडेक्स फाइल हम बना लिए, ये चार रिकॉर्ड यहाँ पे है, अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंटर कर दिए, तो ये रिकॉर्ड का एंट्री यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। नहीं आएगा तो मान लो यहाँ पे हम रोल नंबर 25 इंटर कर दिए, रोल नंबर 25 यहाँ पे नहीं है। जब तुम बोलोगे रोल नंबर 25 तो हम इंडेक्स फाइल में खोजेंगे और नहीं मिलेगा तो बोलेगा तुम्हारा तो रोल नंबर आइए नहीं है, बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना। तब क्या करना है कि हर मॉडिफिकेशन पे, हर डिलीशन पे और हर इंसर्शन पे, जब नया रिकॉर्ड डाल रहे हैं तब, पुराना वाला को एडिट कर रहे हैं तब, और कुछ डिलीट कर रहे हैं तब, तीनों केस में इंडेक्स फिर से क्रिएट होगा या बोलो अपडेट होगा, है ना। अब हम जैसे मान लो नेम के आधार पे शॉर्टिंग इंडेक्स किए हुए हैं, मोहित को जगह मिल गया अपना एम वाला, शॉर्टिंग हुआ तो मोहित को मिल गया, मोहित बोला कि नहीं मेरा नाम रोहित है, मोहित नहीं है, जैसे ही इसको रोहित करेंगे तो रोहित में तो शॉर्टिंग में उसका जगह बदल जाएगा, ठीक है। तो वो तुरंत यहाँ पे जैसे ही हम अपडेट करेंगे वैसे ही मेरा इंडेक्स फाइल तुरंत मॉडिफाई हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट के तौर पे हम लोग देख रहे हैं क्या, कि आफ्टर एवरी इंसर्शन और डिलीशन इंडेक्स फाइल नीड टू बी अपडेटेड, नीड टू बी अपडेटेड, लेकिन फॉक्सरो में अपने आप अपडेट होता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ हमको इंडेक्स फाइल को एक्टिव कर लेना होता है सिंगल इंडेक्स के केस में, ठीक है। रिकॉर्ड कैन नॉट बी एक्सेस रैंडमली, डायरेक्ट एक्सेस की तरह रैंडमली एक्सेस हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग को एक थोड़ा सा सिक्वेंशियल एक्सेस करना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा, है ना। अब यहां से कहीं जाना है तो सबसे फास्टेस्ट रूट क्या मिलेगा तुमको, जैसे मान लो यहां से तुमको गानीबंदन जाना है, ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट क्या हो सकता है? ये हेलीकॉप्टर हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो हेलीकॉप्टर तो आएगा तो फ्लोर रूफ पे आएगा, तो हेलीकॉप्टर पे चढ़ोगे तो इसके लिए यहां से तुमको जाना पड़ेगा ना छत पे, ये सिक्वेंशियल एक्सेस हो गया ना, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, वहां पे चढ़ने के बाद ना डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो ये दो कॉम्बिनेशन है, वही है मेरा इंडक्शन फंक्शन, ठीक है। मेरे दिमाग में वही हेलीकॉप्टर ही आया था, ऐसा बात नहीं, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग यही रहने दें, अगले क्लास से हम लोग एकदम फॉक्सप्रूफ शुरू करेंगे। फॉक्सप्रूफ क्या है, उसका फीचर क्या है, उसमें क्या क्या काम होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसका रिक्वायरमेंट क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा एक मिनट।